पहली बार मुझे वो कैरेक्टर मिला है जिससे मैं अपने गुरु को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। माँ कसम, इतना मजा तो फिनाले जीत कर भी नहीं आएगा। सारे बंदर इंसान बन गए, ये पहला इंसान है तो फिर से बंदर बन गया। ये फोटो हाथ में लेकर खड़ा आ जा और बता का क्या मतलब हुआ। तो जमुरे कौन कब दिखाएगा? दिखाएगा आपकी गोली में से कूद के दिखाएगा। मम्मी डर मत, डर के आगे जीत है, चल जा। उस्ताद हमसे ना हो पाएगा। ये लो, कैसा बंदर है कुछ नहीं आता। इतना अपमान, जा तेरी नौकरी को पूछ मार के जा रहा हूँ मैं। अरे अरे तू तो नाराज हो गया, नीचे बैठ, हम दोनों साथ हैं तभी तो बात है। हमेशा की तरह इनायत, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं तुमको ना ऐसा बांध के अपने जेब में डाल के घर लेके जाने वाला हूँ। तुम बहुत क्यूट हो और पूरी सच्चाई से तुम परफॉर्मेंस देती हो, मजे लेके काम करती हो, ब्रेक्स जो तुम लेती हो, जब सुमित अपने डायलॉग कहता है फिर आपको पता है कि कब वो आपका क्यू आएगा, आपकी लाइन आएगी, ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और आप एक छोटे से दिमाग में, इतने प्यारे से दिमाग में इतना सब कुछ इतने मजे से भर लेती हो और इतने मजे से आप परफॉर्म करती हो, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा। सुमित वेरी गुड, ब्रिलियंट, मुझे बड़ा मजा आया देखने के लिए, एज यूजुअल लव्ड इट, फैंटास्टिक। आई थिंक I want to really hug you very tight. Ab you have done itna acha kiya aaj, itna acha kiya. Aap Sunday second chance mein hai aur aapne wo chance mutthi mein le liya aur sabka dil jeet liya. And you are beautiful. You are just beautiful. Mujhe bhi bahut badhiya laga inka act. I think Sumit, you have really worked hard is act ke upar, kyunki ek expression जिस तरीके से इनायत ने बात की, जमुरे और अपना वॉइस भी ऊपर नीचे किया, जमुरे दिखाएगा। आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल इनायत, एंड आपने ये संडे सेकंड चांस को वाकई ही बहुत ही हाई लेवल तक लेके गए, तो अब आगे जो आते हैं उनका देखना है क्या होता है, बट आई थिंक यू ऑल हैव डन वेरी वेल। आज बमन जी आप ही के कपड़ों में बनाए हुए, बनाए ऐसे मतलब आप ही के कपड़े में डांस करें। नहीं नहीं, आपके लाए हुए कपड़ों में। आपके बनाए हुए कपड़े। ये तुम्हारे को इतनी डिटेल क्यों दे रहा से? आधार कार्ड बनवाने निकला से क्या? तो क्यों दे यार सदनों, खेल शुरू किया जाए। हाँ हाँ, जे खेल शुरू किया जाए। तो आपका पहला सवाल है, मेरे गुरु में कितना टैलेंट? ए इतना, बी इतना, सी इतना, और डी इतना। जे मारे को ना इसमें गुरुज का पोल लगेगा। गुरुज बताइए इनमें कितना टैलेंट? इतना टैलेंट है हमारे में। तो कंप्यूटर जी लॉक किया जाए और ये गलत जवाब। गलत जवाब? जे मैं हार गई सू, मैं अपने ही थाने में हार गई सू। ए कंप्यूटर के बच्चे, तू मन ने बताएगा कि तू इतनी अंधेरी रात में मारे थाने में क्या कर रहा से? क्या हो गया? फीलिंग रिलैक्स, वेरी रिलैक्स्ड। Beautiful. Come on, guys. Hold that title away. Udbav and Oni Shakli. चलिए सीधा जानते हैं हमारे जजेस से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, एंड शुरू करेंगे अरशद सर आपसे।
इतनी सांस ली इन्होंने, बहुत ही ब्रेथ टेकिंग था ये, मजा आ गया। उद्भव यू आर वेरी गुड, जो कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, जो तुम बिंदास करते हो ना जो परफॉर्मेंस, मुझे वो बहुत पसंद है। तुम्हारी शक्ल पे एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है साफ। अनिशा वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई लव द परफॉर्मेंस, बट आई टेल यू ऑनेस्टली, मुझे आई वॉन्ट टू सी समथिंग मोर देन दिस। कहीं पे ना मुझे तुम लोगों से उम्मीद कुछ ज्यादा बहुत बढ़ गई है मेरी, तो इट्स सम वे माई प्रॉब्लम, लेकिन वेरी गुड एक्ट, मुझे इससे अच्छा देखना है, मुझे इससे बहुत अच्छा देखना है। ओके, वेल डन। एक्चुअली अरशद और रवीना ने बहुत अच्छी तरह सब बातें सुनाई, एंड दे आर सो करेक्ट एंड सो एक्यूरेट। मैं एक ही बात कहूंगा कि आई एंजॉय द एक्ट। दाढ़ी वाड़ी ये सब है, प्रॉब्लम्स होते हैं, यू हैव टू ओवरकम दैट, ये अपना काम होता है, बट स्टिल यू डिड वेरी वेल, सो गुड लक। थैंक यू सो मच जजेस। कहानी सुना, बहुत हो गई मेरी बेइज्जती, अब मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, अब तू मुझे कहानी सुना, तब पता चलेगा कि गुरु का टैलेंट क्या होता है। क्यों आता है कहानी सुनाना? बस तो सुना, ध्यान से सुनना कहानी। एक बार एक आदमी था, बड़े टाइम से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, फिर एक टैलेंटेड से बच्चे का उसे साथ मिल गया और वो किसी शो में गुरु बन गया। आज भी वो मेहनत नहीं कर रहा बल्कि किसी बच्चे की पीठ पर चढ़ा घूम रहा है। ये मेरे ख्याल से आज आई कैन कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि बेस्ट एक्ट था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इन दोनों का एक्ट, एंड कामना का जो रोल था वो इजिली ओवर द टॉप हो सकता था, हैमिंग हो सकता था, स्क्रीचिंग स्क्रीमिंग हो सकता था, लेकिन आपने वो जो वेताल की आवाज़ भी निकाली वो बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा था, इट वॉजन साउंडिंग बैड टू द ईयर्स। विक्रम बिल्कुल परी लग रहा हूँ ना मैं। विरत ने भी बहुत अच्छा किया एज अ गुरु कामना, आई थिंक यू हैव डन ब्रिलियंटली, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम यहाँ इंडिया का हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने आया है, जो हमको दिखा सकती है? मैं आपको दिन में तारे दिखा सकती है, ये क्या चीज़ है?